तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं पूरा हिम्मतनगर सिटी। तो हाँ, हम पूरे हिम्मतनगर सिटी की राइड करने वाले हैं। जो कुछ भी देखने लायक है वो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रास्ते में जो कुछ भी मुझे दिखेगा वो सारी की सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। ऑफिस आई हुई है और ये सर्कल है जो आरटीओ सर्कल से नाम से जाना जाता है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट मुड़ते हो तो अहमदाबाद जाते हैं और अगर सीधा जाते हो तो विजापुर मेहसाणा जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जाएंगे सामने की ओर। पर एक शॉप आई हुई है अरबियन पॉइंट और यहाँ पर खाने का अच्छा। दोस्तों, अभी हम आए हैं अरेबियन पॉइंट पे। तो यहाँ का शावरमा बहुत ही फेमस है, तो यही आप देखने के लिए मैं आप सभी को लेके आया हूँ। तो देखिए, एंजॉय कीजिए और बाद में चलेंगे एक अगले लोकेशन पे। तो दोस्तों, अरेबियन पॉइंट के बाद हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर एक लालपुर करके गांव है जो हिम्मतनगर सिटी में ही गिना जाता है। तो यहाँ पर एक प्लेग्राउंड है, एक क्रिकेट का मैदान बनाया गया है और वहाँ पर नाइट टूर्नामेंट्स होती हैं। तो उसके बारे में कुछ डिटेल है वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लालपुर स्टेडियम है, यहाँ पर रात में खेली जाती है। तो दोस्तों, ये है लालपुर का क्रिकेट प्लेग्राउंड जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो और ये नाइट का नज़ारा है, काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा ये ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं ऑनेस्ट दाल बाटी और साबरकांठा ज़िले में ये दाल बाटी एक फेमस फूड है जो ज़्यादातर खाया जाता है। तो हम पहुंचे हैं ऑनेस्ट दाल बाटी। आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट के अंदर हम यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन ये एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, आप देख सकते हो। और चलिए हम अंदर चलते हैं और बैठने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पर। और मेन चीज़ यही है कि हमें फूड पे फोकस करना है कि खाना यहाँ पर कैसा मिलता है। तो अभी हम कुछ ही देर में ऑर्डर करेंगे, यहाँ का जो डिश है दाल बाटी का वो ऑर्डर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर टेस्ट कैसा रहता है।
अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो। हिम्मतनगर सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस है ये दाल बाटी, तो बैठे हैं ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, अभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसा खाना मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब खाना आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एंजॉय कीजिए ऑनेस्ट दाल बाटी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये है हिम्मतनगर सिटी में आया हुआ एक टोल टैक्स, जिसे क्रॉस करके हम आगे जाएंगे और बहुत कुछ जगह है जो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब आपको मैं सीधा लेके चलूँगा आरटीओ ऑफिस, लेकिन उसके पहले मैं दो चीज़ ऐसी बता दूँ कि इसी रोड पे एमएच के मार्ट आया हुआ है जो फिलहाल नया खुला है, इसके पीछे एक कैफ़े भी है, और इसी रोड पे राज स्पोर्ट करके एक शॉप आई है तो उसकी विजिट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल गुज्जू राइडर में। आप सभी को मैं लेके आ गया हूँ राज स्पोर्ट में, जो हिम्मतनगर सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर स्पोर्ट की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, बैट्स है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, शूटर बॉल है, ए टू जेड थिंग है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर उनके ऑनर बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये बिज़नेस यहाँ तक कैसे पहुँचा और हिम्मतनगर सिटी में इतना नाम कैसे हुआ। तो अब मैं माइक उनको दूंगा और आप उनको सुनिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए। हिम्मतनगर में आई हुई एक से एक फेमस जगह आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए। अब मैं इनको माइक दे रहा हूँ, आप इनको सुनिए। जी नमस्कार, सबसे पहले तो गुज्जू राइडर का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस काबिल समझा और हिम्मतनगर के एक राजपोर्ट नाम की खोज कर यहाँ तक पहुँचे, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जो हमें बनाया है, हमारा क्राउड, हमें चाहने वाले, राजपोर्ट को मानने वाले, और हमारी जो मेहनत, हालांकि मैंने नॉन स्टॉप 35 ईयर्स मैचेस क्रिकेट टूर्नामेंट खेला है, और कुछ साल बाद हमारे सन है जो आसिफ लोहार, उन्होंने खेलना शुरू किया, हालांकि वो बचपन से ही मेरे साथ अपनी हर मैच देखने आते थे। वो राजपोर्ट की जो शॉप है, इनके ओनर अभी आसिफ भाई हैं, उनको बचपन से लगाव था क्रिकेट का, मैचेस से ही था, फिर वो टेनिस भी खेलते गए, मैचेस भी खेलते गए, और अब तक जब तक ये इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं, जब तक 38 सेंचुरी वो मार चुके हैं। 38 सेंचुरी मारना कोई छोटी बात नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई सेंचुरियाँ मिस भी हुई है उनकी, हालांकि मेरे हिसाब से वो 60 सेंचुरी के आसपास होते हैं आज। और ऑन रिकॉर्ड मैं बता सकता हूँ, कोई अगर चैलेंज करता है ना तो मैं उनको बता सकता हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है वो। ये साबरकांठा का प्लेयरों का एक जुनून है, ऐसा नहीं है कि साबरकांठा में प्लेयर नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन एक से एक प्लेयर है सर। और ये राजपोर्ट जब मैंने 8 से 8 साल पहले शुरू की थी, जब आसिफ भाई को पता भी नहीं था, एक रोज हम बैठे थे और
अचानक मैंने कहा आसिफ हम स्पॉट का शॉप करेंगे, तो एकदम से चौंक गए थे कि पापा क्या कह रहे हो। मैंने कहा यस, अपने जो अनुभव है हमारा, जो क्वालिटी देनी है वो हम लाएंगे और देंगे, और उस हिसाब से हमने ये किया। और ये जो पब्लिक का, राजपोर्ट का जो हमको प्यार मिला, वो पब्लिक का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि जिसे जिन्होंने आज आप गुज्जू राइडर को हमारा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ तक भेजा, वो हमारी पब्लिक को सलाम है, हमारे चाहने वाले को सलाम है। तो जैसे आपने इन सबको सुना है, इनकी स्टोरी सुनी है कि कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ पर आओ, कोई भी चीज़ स्पॉट के रिगार्डिंग आपको चाहिए तो हिम्मतनगर सिटी में ऐसा कुछ काम हो तो बस एक ही नाम याद रखो, राजस्पॉट। यहाँ पर आना ना भूले, और यहाँ पर आके एक स्टिकर हमारा लगा हुआ आपको दिखेगा, वहाँ पर जाके आपको ये वीडियो देखने को भी मिलेगा और आप सबसे शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं किसी और जगह। तो राजस्पॉट आपने देखा, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं। और अभी मैं फिलहाल थोड़ा आगे निकला हूँ और पीछे एक मार्ट है जिसका नाम है MHK मार्ट। तो चलिए एक छोटा सा राउंड ले लेते हैं, छोटी सी विजिट कर लेते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है, वहाँ का माहौल कैसा है, और चलिए ये जगह को हम एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए, आप सभी को लेके आ गया हूँ मैं MHK मार्ट, और फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड फ्लोर से हम स्टार्ट करते हैं। हमने एंट्री ले ली है, अभी हम अंदर जा रहे हैं, और पहले ही जब हम एंटर करते हैं राइट साइड पे एक बिल डेस्क काउंटर दिख रहा है, और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह भी रखा गया है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी रखी गई है। तो ये पूरे ग्राउंड फ्लोर पे हम ग्रोसरी का सामान हमें मिलता है जो आप देख रहे हो वीडियो में। और ऐसे ही MHK के ग्राउंड फ्लोर पे हम घूम रहे हैं। वीडियो में अभी तक आपने लाइक नहीं दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये इस लिफ्ट को यूज़ करके हम जाएंगे ऊपर के फ्लोर पे। ऊपर पे देखते हैं कि ऊपर क्या है, तो फटाफट से चलते हैं ऊपर की ओर। तो आप देख रहे हो कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में आ गया हूँ। यहाँ पर घर वक्री का कुछ सामान नज़र आ रहा है, सामने दीवार पर लगी कुछ घड़ियाँ है वो दिख रही है। तो घर सजाने की चीज़ें यहाँ पर इस फ्लोर पे आई हुई है, तो घर वक्री का सामान भी हम इसे बोल सकते हैं जो ये सेकेंड फ्लोर पे है। यहाँ पर कुछ स्टेशनरी का सामान भी है और कुछ यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं जो हम डेली रोजिंदा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। और अब यहाँ से मैं आपको ये फ्लोर फटाफट पहले दिखा देता हूँ, बाद में इसके और ऊपर एक फ्लोर आया हुआ है, मैं आपको सीधा वहाँ पर लेके चलूँगा। तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए अब आपको लेके चलता हूँ मैं ऊपर वाले फ्लोर पे। तो सीढ़ियाँ ढूंढते हैं क्योंकि लिफ्ट का यूज़ हमने कर लिया, अब जाएंगे हम सीढ़ियों से। तो फटाफट से ऊपर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर वाले फ्लोर पे हम आ गए हैं। यहाँ पर कुछ ज्वेलरी जैसा दिख रहा है, तो कुछ नॉवेल्टी की आइटम्स है, सामने शूज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पर शूज़ और फुटवियर का पूरा एक प्लेस बनाया गया है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो आप देख सकते हो वीडियो में। तो आप जब भी यहाँ से गुजरो और कुछ ऐसी भी चीज़ें लेनी हो तो आप इस मार्ट को प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पर टी शर्ट वगैरह भी मिलता है, तो कपड़ों का भी यहाँ पर एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया गया है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हो। और सिर्फ नॉर्मल टी शर्ट या जीन्स नहीं, यहाँ पर ब्लेज़र शूट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप ये भी चेकआउट करना ना भूलें। और यहाँ पर जब भी आए विज़िट करें, आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा मार्ट है और यहाँ पर A to Z सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप ये भी देखना ना भूलें। और चलिए अब फटाफट से मार्ट की विज़िट को कम्प्लीट करते हैं, क्योंकि पीछे एक जगह है, वहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े जैसा भी बनाया गया है, तो मैं आपको वो भी दिखाने ले चलूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ वॉलेट्स लगे हुए हैं, पर्स लगे हुए हैं। तो कपड़ों का काफ़ी सामान है यहाँ पर, कपड़े वगैरह काफ़ी है यहाँ पर जो आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे, पीछे जो कैफ़े बनाया है उसकी विज़िट के लिए। पीछे एक कैफ़े बनाया गया है जो सैंडविच किंग करके हैं, आप देख सकते हो वीडियो में। तो चलिए अब इसकी विज़िट करते हैं, यहाँ पर क्या क्या है, अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ।
तो पहले जैसे अंदर जाते हैं वहाँ पर एक आइसक्रीम का स्टोर है जो आप देख रहे हो, उसके बिल्कुल करीब ही एक डोर आया है जहाँ से हमें एंट्री लेनी होती है। तो चलिए अब आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। तो कैफ़े के अंदर हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कैफ़े बनाया गया है यहाँ पर और काफ़ी इंटीरियर इसका बेहतर बनाया गया है जो आप देख रहे हो, और बैठने की भी अच्छी खासी सुविधा है। तो जब भी यहाँ पर MHK मार्ट में शॉपिंग करने के लिए आते हो तो कुछ खाना पीने का प्लान बना कर ही आओ, काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पर जो इंटीरियर बनाया गया है, वहाँ पर जो साइकिल का यूज़ करके फूड लिखा गया है, वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलिए अब मिलते हैं किसी और लोकेशन पे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और शेयर नहीं किया है तो शेयर करें। दोस्तों आगे पहुंच चुके हैं RTO पे, और यहाँ पर एक होटल है, आप देख सकते हो जय बोले दाल बाटी। तो ये सिर्फ 60, 70 और 80 रुपये में गुजराती थाली, पंजाबी थाली और स्पेशल डिश भी ये प्रोवाइड करते हैं, दाल बाटी भी है इसमें। तो अब मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ हिम्मतनगर में आई हुई RTO ऑफिस। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखें। दोस्तों वापस से मैं आ गया हूँ पानपुर पाटिया से आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक शॉप है द मैनेजर करके, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जो मेंस एसेसरीज का डील करता है। तो चलिए मैं आपको वो शॉप दिखा देता हूँ। सभी को मैं लेके आ गया हूँ द मैनेजर शॉप, जो हिम्मतनगर में आई हुई है और इंटरनेट सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बेहतरीन होते हैं और यहाँ पर मिलते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, तो मैं आप सभी को लेके आ गया हूँ द मैनेजर शॉप। तो चलिए आप शॉप को देखें और मैं इनसे कुछ बात करता हूँ, वो भी आप। हेलो एवरीवन, मेरी शॉप का नाम है द मैनेजर HMD और मेरी शॉप बीजापुर रोड पे आई है, जय भवानी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है। मेरी शॉप में मेंस एसेसरीज ऑल प्रोडक्ट है, जैसे कि सनग्लास है, वॉच है, वॉलेट है, बेल्ट है, ऑल प्रोडक्ट मिल जाएगी। जीन्स में मिल जाएगी, शर्ट मिल जाएगा, टी शर्ट मिल जाएगी, जैकेट, डेनिम जैकेट, शूज़, ऑल प्रोडक्ट मिल जाएगी। और ये वीडियो देख रहे तो ज़रूर विजिट करना मेरी शॉप। तो दोस्तों जैसे भाई ने बताया, काफ़ी मेंस के लिए यहाँ पर एसेसरीज़ है, शूज़ है, पैंट्स है, जीन्स है, डेनिम जैकेट्स है, सब कुछ अवेलेबल है। और इनकी शूज़ की रेंज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और एक छोटे उस्ताद है जो हमें दिखा रहे हैं शूज़, जो काफ़ी वैरायटी है। तो आप जब भी ऐसा कुछ लेने का मन करें द मैनेजर शॉप की विज़िट ज़रूर करें। तो दोस्तों दी मैनेजर की विज़िट करने के बाद हम निकल चुके हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मेरे एक स्कूल आई हुई है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड स्कूल है जो हिम्मतनगर सिटी में आई हुई है। अब हम उससे जाएंगे आगे। तो यहाँ पर जो एरिया आया हुआ है उसे मेहतापुरा कहते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इस एरिया को क्रॉस करके आपको दिखाता हूं। एक स्टैच्यू भी आया हुआ है जो अभी आप वीडियो में देख रहे होंगे।
तो दोस्तों अब ये पुल क्रॉस करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं न्याय मंदिर एरिया है, जो न्याय मंदिर कहते हैं, बहुमाड़ी भवन भी कहते हैं। बट उससे पहले एक जगह है वहां पर मैं लेके चलूंगा। यहां पर दो ऐसे प्लेस है जहां पर हम विजिट करने वाले हैं। एक दरगाह शरीफ है जो काफ़ी पुरानी है, जुम्मा मस्जिद है जो काफ़ी पुरानी है, और एक शानू हेयर सलून करके यहाँ पर एक हेयर सलून आया हुआ है जो काफ़ी फेमस है और सोशल मीडिया में भी उनके वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं, तो हम उनकी विजिट करेंगे। तो चलिए यार ये वीडियो का एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको दरगाह शरीफ ले चलता हूं और उसके बाद मैं आपको हेयर सलून में ले जाऊंगा। तो दोस्तों जैसे आपने वीडियो में देखा, न्याय मंदिर से आगे हम निकल चुके हैं और यहाँ पर एक दरगाह शरीफ आई हुई है और एक जुम्मा मस्जिद है जो काफ़ी पुरानी है और हमारे हिम्मत नगर सिटी में आई हुई है। तो इनके बारे में ये हजरत है जो हमें कुछ डिटेल देंगे, तो हमसे अब हम इनको सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, ये हसन से दरगाह है, ये 750 बरस पुरानी है। उसे पास में जुम्मा मस्जिद आई हुई है, वो जुम्मा मस्जिद 800 साल पुरानी है। वो राजा के वक़्त की बनी हुई है, जैसी बनी हुई मस्जिद है वैसी की वैसी है, उसमें अभी कुछ बदलाव नहीं किया हुआ। तो आप जानते हो कि जैसे इन्होंने बताया कि जब से ये बनी है तब से अभी तक वैसी की वैसी है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना कि ये लोकेशन आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल गुज्जू राइडर। तो चलिए मैं आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ। Thank you.
आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। मैं कैसा था अभी, ये कैसा है, जब आया था तब आपने देखा, और अभी फिलहाल अभी देख रहे हो आप क्या चेंजेस आया है सिर्फ 5 मिनट। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम हिम्मत नगर में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे एक एक चीज़ हम एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर न्याय मंदिर से आगे खुशबू हॉस्पिटल अभी आपने देखी बाइक पे, वहाँ से ये गली है, वहाँ पर एक सानू हेयर सलून आया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा किया था कि पहले एक नॉर्मल ही शॉप थी जहाँ पर हेयर कटिंग हुआ करती थी, अब फिलहाल ये सानू भाई खड़े हैं और ये इनके फादर है, इन्होंने ये सब स्टार्ट किया था। और अभी आपने ये स्टूडियो देखा कि ये हेयर सलून कहाँ से कहाँ पहुँचा है, और इनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वो जो अभी आपको डिस्प्ले में नज़र आ जाएगा, वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से काम होते हैं। चलिए ये सब छोड़िए, अब मैं डायरेक्ट इन्हीं से अब बात करवाता हूँ आप सबको, और आप उनसे सुनिए कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पर कौन कौन से काम हो रहे हैं वो अपनी तरफ से बताएंगे। ये हमारी दुकान जो क्या कहें 2001 में है ना, 2001 में हमने चालू करी थी। उस टाइम पे ये दुकान बहुत नॉर्मल, यानी सादगी, उस टाइम का काम भी यानी कि सादा काम था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और काम का सिचुएशन चेंज हुई, नौजवान लड़कों का काम, नया नया काम आया, तो हमारे लड़के माशाल्लाह होशियार हो गए और इन्होंने स्टडी करके यानी कि इस काम को और खूबसूरती से अंजाम दिया। और इसके साथ साथ हमारा बड़ा लड़का शाहनवाज, जिसने लेडीज़ और जेंट्स दोनों का कोर्स किया है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इसका काम बहुत मशहूर करा और दूर दूर से लोग यानी नौजवान लड़के इसके पास स्टाइल कराने आते हैं। तो ये है हमारे सानू भाई, तो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इनकी कारीगरी देख सकते हो। इनमें जो टैलेंट भरा हुआ है कि आप मुझे ही देखिए कि 5 मिनट में क्या से क्या लुक कर दिया है मेरा। तो जब भी यहाँ पर हिम्मतनगर में आओ, ऐसा कुछ भी काम हो तो ये शॉप ज़रूर प्रीफर करे। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और जगह पर। तो दोस्तों, दरगाह शरीफ और हेयर सलून आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ न्याय मंदिर में, मतलब ये जो बहुमाड़ी भवन है उसके अंदर एक वॉक अराउंड ले लेता हूँ, और बाद में मैं आपको ले चलूँगा जो हमारे पुलिस स्टेशन मतलब कि हेडक्वार्टर है, जो साबरकांठा ज़िले का हिम्मतनगर सिटी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, बहुमाड़ी भवन से हम निकल चुके हैं आगे, और इस रोड से आप हिम्मतनगर सिटी का जो बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी जा सकते हो, ये रास्ता आपको वहाँ पर लेके चलता है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से, जैसे मैंने बताया था, पुलिस हेडक्वार्टर जो हमारे सिटी का है, हिम्मतनगर सिटी का है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ हमारे पुलिस स्टेशन में जो हमारे हिम्मतनगर सिटी में आया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं बस स्टॉप की विजिट के लिए, तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ चलिए हिम्मतनगर सिटी के बस स्टॉप को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना ना भूले, हर एक हिम्मतनगर सिटीजन के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो दिखाना काम है मेरा और शेयर करना काम है आपका, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस स्टैंड देखने के लिए जा रहे थे लेकिन हम वापस से आ गए हैं बहुमाड़ी भवन, और यहाँ से जाएंगे हाजीपुरा। यहाँ पर एक आइसक्रीम का स्टोर आया हुआ है जो मामू आइसक्रीम के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी फेमस है यहाँ का आइसक्रीम, तो पहले हम वो देख लेते हैं।
तो दोस्तों मैं आप सभी को लेके आ गया हूँ हाजीपुरा एरिया में, और यहाँ पर एक मामू आइसक्रीम करके स्टोर है जो काफ़ी फेमस है। तो चलिए मैं आपको वो स्टोर दिखाता हूँ और फटाफट से आप भी आइसक्रीम एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पे हिम्मत नगर में मामू आइसक्रीम के यहाँ बहुत सालों से आइसक्रीम खा रहा हूँ, और यहाँ की फेमस आइसक्रीम है मावा मलाई। तो आप अगर कभी हिम्मत नगर आते हो तो ये ट्राई कीजिएगा, आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। दोस्तों मामू आइसक्रीम आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम जाने वाले हैं हुसैनी चौक, और वहाँ पर एक शॉप आई हुई है फेसबुक, तो चलिए फटाफट से मैं आपको सीधा फेसबुक पे ले चलता हूँ और बाद में हम जाएंगे अमर सिंह मॉल। तो आपको मैं लेके आ गया हूँ हिम्मतनगर में एक ऐसी शॉप आई है जिसका नाम है फेसबुक, और यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैरायटी कपड़ों में मिल जाती है। तो ये हमारे दोस्त है मिस्टर फैसल भाई, तो इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये दुकान कितने सालों से यहाँ पर हिम्मतनगर में है और कौन कौन सी वैरायटीज़ यहाँ पर मिलती है, ये सारी की सारी डिटेल आपको ये बताएंगे। तो चलिए अब उनसे सुनते हैं। बोलिए फैसल भाई। हाय फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये शॉप 9 साल से है और मेरा कलेक्शन अलहमदिल्ला बहुत अच्छा है, फाइन कलेक्शन है, टी शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह, फंकी में मेरा पूरा हिम्मतनगर में साबरकांडा में फर्स्ट नंबर पर आ रहा हूँ मैं, और अल्लाह के एहसान से आगे भी दुआ ही करो आप के चलता रहे ऐसे ही माशाल्लाह। और इनसे इनकी एक फेसबुक आईडी है, इंस्टा आईडी भी है, जहाँ पर ये यहाँ की वैरायटीज़ के वीडियोस आपको रखते हैं, तो इनकी इंस्टा आईडी भी आपको अभी डिस्प्ले में नज़र आ जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा मूड हो कि कुछ कपड़े खरीदने हैं, स्टाइलिश खरीदना है, जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है उस हिसाब से भी अगर आपको कपड़े चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाइए फेसबुक पे। ये फेसबुक लोकेशन कहाँ पर आया है, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। फेसबुक लोकेशन ऐसी जगह पर, मतलब जैसे हुसैनी चौक है, यहाँ पर हब है, यहाँ पर बड़ा सारा फेसबुक फैशन हब फर्स्ट नाम ही है उसका, ट्रेंडिंग नाम है। आप कहीं भी कोई भी शॉप वाले को भी पूछ सकते हो और ऐसे भी आ सकते हो। पूरा एड्रेस है हाजीपुरा हुसैनी चौक, परफेक्ट एड्रेस हिम्मत। हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया हाजीपुरा हुसैनी चौक यहाँ पर आई हुई है, गूगल मैप्स पे भी आपको मिल जाएगी, और लोकेशन की जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो चलिए अब आपको मैं यहाँ की वैरायटीज़ दिखाता हूँ और एंजॉय कीजिए घर बैठे बैठे। अभी आप हिम्मतनगर पूरी सिटी देख रहे हो, तो ये एक उसमें से एक पार्ट है जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर कपड़ों के लिए, और खास करके यंगस्टर जैसे हमारे जैसे लोग हैं, स्टाइल करते हैं, इंस्टा रील बनाते हैं कपड़े चेंज करके। तो ये जो कुछ भी है, जो भी स्टाइलिश है, जितनी भी स्टाइल की वैरायटीज़ है, जीन्स है, टी शर्ट है, शर्ट है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए अब आपको मैं फेसबुक का टूर करवाता हूँ।
तो फेसबुक स्टोर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अब मैं आपको सीधा लेके चलूंगा अमर सिंह मॉल, तो वहां पर क्यों जाते हैं तो वो आपको लोकेशन देख के पता चल जाएगा। तो आप सभी को मैं लेके आ गया हूँ अमर सिंह मॉल में, जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो। तो हम पहले जाएंगे अमर सिंह मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ से मैं पूरा मॉल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप देख रहे हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर हम क्यों आए हैं, तो यहाँ पर एक फैमिली हेयर सलून है जो जिसका नाम है वी कुमार और पूरे साबरकांठा ज़िले में और ख़ास करके हिम्मतनगर में काफ़ी फेमस है ये सलून। फैमिली सलून है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो चलिए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ वी कुमार में। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हिम्मतनगर वी कुमार सलोन में। और हम ये सलोन हमारा 2015 से यहाँ पे चालू है और हिम्मतनगर में ऑलरेडी 3 सलोन से 1992 से यहाँ पे है हम। और यहाँ पे हम हेयर, स्किन, बॉडी, मेकअप हर तरह के काम करते हैं। जो भी सलोन लाइन में जितने भी काम आते हैं वो सब यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे हम पूरा मेरा 25 के 30 जन का स्टाफ है और यहाँ पे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी क्लाइंट्स आते हैं तो भी हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हेयर, स्किन, बॉडी सब तरह के वर्क होते हैं और हम फुल्ली प्रोफेशनली वर्क करते हैं। और यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स ही यूज़ होते हैं, जैसे लॉरियल है, सेरिल्स है और अदर ब्रांड्स हम यूज़ नहीं करते हैं और वर्क पूरा फुल्ली प्रोफेशनली होता है। जेंट्स लेडीज़ दोनों का काम होता है यहाँ पे, बच्चों का, मतलब फैमिली सलॉन्स है ये। तो आप पूरे फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ सकते हो तो आपका भी टाइम बचेगा और आपका काम भी सेटिस्फेक्शन के साथ होगा। तो दोस्तों अमर सिंह मॉल की विजिट हमने कर ली है, वी कुमार आप सभी ने इस वीडियो में देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं श्री चारभुजा नाश्ता हाउस है उसकी विजिट करने के लिए, वहां जाके वो टेस्ट करेंगे। और आप अभी राइट साइड देख रहे हो कि ये हिम्मत हाई स्कूल है जो यहाँ पर आई हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अब हम जा रहे हैं श्री चारभुजा नाश्ता हाउस पे। तो दोस्तों हिम्मतनगर सिटी का वीडियो बन रहा है और आप सभी के डिमांड पे कि श्री चारभुजा कचोरी समोसा ये शॉप है जो हिम्मतनगर में आई हुई है और काफ़ी फेमस है, जो स्टेशन रोड पे आई हुई है। तो यहाँ पर इनके ऑनर है, अभी हम इनसे बात करवाएंगे। और यहाँ पर समोसा कचोरी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर एक कस्टमर भी है जो उनका इंट्रो आप देंगे, आप समझ जाओ कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। सबसे पहले तो सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके प्रचलित चैनल के माध्यम से चारभुजा, श्री चारभुजा जो नाश्ता है, लोगों की भूख नहीं मिटाता पर लोगों की जो इच्छा है अच्छा और बेहतर खाने की, वो इच्छा परिपूर्ति करता है। और ना यहाँ, मैं सीधा मोड़ासा से यहाँ आया हूँ, जैसे प्रवास करते हो तो प्रवास में धर्म मिलता है तो यात्रा बन जाती है, ऐसे इस समोसे में, इस कचौड़ी में कुछ ऐसा आध्यात्म भाव है, कुछ ऐसा परिश्रम है
कि आज आपके माध्यम से मैं अमित कवि, गुजरात के 10 लाख कर्मचारियों का मैं प्रमुख हूँ। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि ये आवाज़ आम लोगों तक पहुँचे और श्री चार भुजा का प्रचार हो, प्रसार हो और लोगों तक इनकी वाहवाही हो, और सिर्फ वाहवाही नहीं पर इनके दर्शन के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, अच्छे स्वाद के लिए लोग यहाँ पे आते रहे। और आपने मेरा जो संवाद किया मेरे साथ, आशा रखता हूँ कि मेरे कर्मचारियों के लिए, करार आधारित आउटसोर्सिंग और रोजमदार कर्मचारियों के लिए चार भुजा भगवान और माता जी की कृपा से हम सफल हो। इन सभी विषयों को लेकर शेठ जी को मैं शुभेच्छा देता हूँ और आपके चैनल को लाख लाख शुभकामनाएं। सभी सफल हो, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अब थोड़ी देर में हम भी करने वाले हैं टेस्ट यहाँ की जो लजीज डिश है, कचौरी है, समोसा है, सभी हम टेस्ट करने वाले हैं। आप सभी को इस वीडियो में दिख जाएगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। हाँ जी, वेलकम, आपका स्वागत है चार बिजनेस हाउस में। बोलिए सर। सालों से है ये बिजनेस? ये 1971 में चालू किया था, 71 में। और कैसा है रिस्पॉन्स हिम्मतनगर सिटी में से? ये बढ़िया है। अच्छा, तो कितने मतलब कैसे लोग क्या क्या डिमांड करते हैं कि वही क्वालिटी चाहिए, वही क्वांटिटी चाहिए? हमारे एक सर की समझो चलती है, एक ही सर की क्वालिटी चलती है हमारी। या 1971 से अभी तक तो वही एक ही चलती है, और कचौरी का हमारा डिमांड ज़्यादा रहता है। श्री चारभुजा समोसा कचौरी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। आप जब भी आओ टेस्ट जरूर कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं प्रकाश भाई खत्री से मिलने, जो राणा जी एग्रोम्स की जो कंपनी है वो चलाते हैं, और ख़ास करके वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फेमस है। और उनका एक डायलॉग है जो हिम्मतनगर सिटी के लिए था, जो स्पेशल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वीडियो में बने रहिए, हम उनसे मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं हिम्मतनगर से देव किशन जी वक्ताजी एंड सन्स, जो कि स्वाति बीच के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। प्रकाश खत्री मेरा नाम है और मैं मूल वतनी राजस्थान बाड़मेर से हूँ। 1968 में सीड्स का बिजनेस शुरू किया और आज सीड्स की हमारी खुद की देव किशन जी वक्ताजी एंड सन्स करके हमारी खुद की कंपनी है दोस्तों, जिसका स्लोगन है ज़्यादा उपज की एक ही रीत, भरोसेमंद स्वाति बीज। ये स्वाति बीज है दोस्तों मेरी, हमारा चार भाई और छः बहनों का संयुक्त परिवार है। उसमें सबसे छोटी बहन है स्वाति, उसके नाम से स्वाति बीज हमने कंपनी का नाम रखा। और आज की तारीख में दोस्तों इंडिया में 14 स्टेट और इंडिया के बाहर 3 कंट्री में हमारा स्वाति बीज एक्सपोर्ट होता है। और इसके अलावा हमारी और भी कंपनी है, जैसे कि राणा जी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, डीवीएस क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, देव किशन जी वक्ताजी सीड्स अहमदाबाद, राणा जी एग्रो हिम्मतनगर। तो हमारी ये फर्म भी मार्केट में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। राणा जी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड में दोस्तों हम बीज और एग्रीकल्चर स्प्रे पंप और पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर के रिलेटेड काफ़ी सारी प्रोडक्ट हम पैकिंग करते, इम्पोर्ट करते और एक्सपोर्ट भी करते हैं। हिम्मतनगर आते हो
हिम्मत नगर यानी कि अहमदाबाद से अगर आप माउंट आबू जाते हो तो बीच में आता है दोस्तों, यहाँ से आप उदयपुर या नाथद्वारा श्रीनाथ जी चित्तौड़गढ़ जाते हो अहमदाबाद से तो भी हिम्मत नगर बीच में आता है। हिम्मत नगर साबरकांठा का मेन सेंटर है और आपको मेरे लायक कुछ भी काम है तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। अनक्वाटेबल हिम्मत नगर। बहुत सारी हॉस्पिटल्स आई हुई है जो आप चेकआउट कर सकते हो और बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है जो शायद हॉस्पिटल्स के लिए अकोमोडेट किया गया है। और अभी फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं हिम्मत नगर सिटी के बस स्टैंड में, तो काफ़ी हरा भरा रहता है जैसे अहमदाबाद का हो। और आप देख सकते हो कि मैं आपको लेके आ गया हूँ हिम्मत नगर सिटी के बस स्टॉप पे। ये है हिम्मत नगर सिटी का बस स्टॉप। तो एक पूरा राउंड लगा देते हैं पहले हिम्मत नगर सिटी के बस स्टॉप पे। कंफ्यूज्ड मैन, कंफ्यूज्ड। और यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ पर है बस स्टॉप का वर्कशॉप। बस स्टॉप का वर्कशॉप दोस्तों, राइड करते करते हम पहुँच चुके हैं हिम्मत नगर सिटी के बस स्टॉप पे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हो कि देखो मैं कैसे अपनी बाइक को लेके घूम रहा हूँ हिम्मत नगर सिटी में। तो अभी और भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हर एक हिम्मत नगर सिटीजन को के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए, तो ज़रूर से शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले लोकेशन। तो दोस्तों, बस स्टैंड के बाद हम निकल चुके हैं आगे, हिम्मत नगर सिटी में घूम रहे हैं। और ये है कवि श्री उमा शंकर जोशी ओवरब्रिज, जिसके ऊपर से हम जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम महावीर नगर के लिए निकल चुके हैं और रास्ते यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है जो आप चेकआउट कर सकते हो। और हम पहुँचने वाले हैं महावीर नगर। जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, वैसे ही यहाँ पर ये महावीर नगर ये एरिया है। तो ये जगह पे खाने पीने की चीज़ें काफ़ी सारी मिलती है और यहाँ पर रात में भी आया जा सकता है, तो मैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि महावीर नगर में रात में खाने पीने का बाजार लगता है, तो मैं आप सभी को लेके आ गया हूँ वहाँ पर। यहाँ पर जाएंगे, एटमॉस्फेयर देखेंगे, कुछ खाने का टेस्ट करेंगे, तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिल रहा है, फास्ट फूड यहाँ पर मिल रहा है।
तो आप यहाँ पर आ सकते हो और ये भी यहाँ पर जितने भी स्टॉल है, जितनी भी चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं आप चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक स्टॉल पे जा रहा हूँ जहाँ से मैं बेल का टेस्ट करूँगा, मैंने बेल का ऑर्डर दिया है, तो आप ये कैसे बनाते हैं वो देखिए और बेल को एंजॉय कीजिए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हर एक हिम्मतनगर सिटीजन के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो भाई बेल दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है और मुंह में पानी आ जाए ऐसी बेल बनाई है ये भैया ने, तो इनके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आप सब जानते हो कि हिम्मतनगर काफ़ी पुराना शहर है, एक हेरिटेज सिटी भी है, तो यहाँ पर एक पुराना महल है जो दौलत पैलेस के नाम से जाना जाता है, तो वो कहाँ पर आया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ, तो चलिए वो हम देखते हैं। घूमते पहुंच चुके हैं हिम्मतनगर सिटी के रेलवे स्टेशन पे, आप पीछे देख सकते हो, और मैं अब ऑपोजिट साइड खड़ा हूं, बट आप देख सकते हो कि मैं फाइनली यहां पर पहुंच गया हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। आप देख सकते हो मैं कैसे रेडी होकर घूम रहा हूँ अपनी बाइक को लेके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरी राइट साइड पे एक स्कूल है जिसका नाम विद्यानगरी है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो गार्डन है हिम्मतनगर सिटी में आया हुआ है, और उस एरिया को सर्किट हाउस भी कहते हैं, तो सर्किट हाउस के बिल्कुल सामने आया हुआ एक गार्डन है जो हिम्मतनगर सिटी में काफ़ी अच्छी जगह है बैठने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो चलिए मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर व्हीकल पार्क करने का चार्ज है 5 रुपीज़ ओनली, और एंट्री फीस भी है 5 रुपीज़, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और चलिए अब आपको मैं पार्क घुमाता हूँ। दोस्तों हर बार की तरह एक ही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो अभी देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए गुज्जू राइडर। अभी मैं आया हुआ हूँ पंडित दीनदयाल गार्डन है जो सर्किट हाउस के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, इसको एंजॉय कर रहा हूँ, और यहाँ की कुछ फुटेजेस है जो मैं आपको दिखाऊँगा, पूरा गार्डन मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हर एक हिम्मतनगर सिटीजन के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। दिखाना है काम मेरा और शेयर करना है काम आपका, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए।
तो दोस्तों ये है पंडित दीनदयाल गार्डन जो सर्किट हाउस के सामने आया हुआ है, और अभी मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत ये गार्डन है, वेल मेंटेन है और चौखाई का भी ख्याल रखा गया है, साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है, वेल मेंटेन ये गार्डन है। और अभी मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, आगे निकल रहा हूँ। आप देख सकते हो कि काफ़ी पेड़ है, हरे भरे हैं और गार्डन का ख्याल बहुत ही रखा गया है मैंने जैसे बताया। और यहाँ पर क्या रेट चल रहा था मैंने आपको बताया कि यहाँ पर व्हीकल की पार्किंग फ़ी 5 रुपये है और एंट्री फ़ी भी 5 रुपये है, तो काफ़ी कम दाम में बहुत ही अच्छा एरिया बैठने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत यहाँ की जगह है और काफ़ी अच्छा ये प्लेस है, यहाँ पर सुकून सा है और पेड़ पौधे होने की वजह से, हरियाली होने की वजह से यहाँ पर ठंडक भी है। तो अगर आप हिम्मतनगर सिटी में निकले हो घूमने के लिए और आप चाहते हो कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको सुकून मिले, आँखों में मस्त हरियाली दिखे, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। काफ़ी बेहतरीन ये जगह है, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एरिया है ये। और मैं यही बोलूँगा कि जब भी हिम्मतनगर में आओ घूमने के लिए तो एक बार ये गार्डन ज़रूर देखें। और चलिए आप इसको एंजॉय कीजिए, फटाफट से मैं आपको ये पूरा गार्डन दिखा देता हूँ। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यहाँ पे पास में एक प्लेग्राउंड भी है जो बच्चों के लिए बनाया गया है और शायद इसकी फ़ीस या फिर एंट्री फ़ी अलग से लगती है और अभी फ़िलहाल बंद है, सो मैं इसकी कुछ डिटेल नहीं जान पाया हूँ। और पास में यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए झूला वगैरह है और ये काफ़ी अच्छी जगह है बच्चों के लिए भी और आप बड़ों के लिए भी ये अच्छी जगह है, आप यहाँ पर टहलने के लिए, घूमने के लिए, सैर करने के लिए आ सकते हो। तो ये था हिम्मतनगर सिटी का पंडित दीनदयाल पार्क। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूले वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी एक और अगले लोकेशन पे। दोस्तों ये है साबर स्टेडियम जो हिम्मतनगर में आया हुआ है और यहाँ पर खेलने का पूरा बंदोबस्त है, सारे खेल यहाँ पर मौजूद है। और चलिए अब आगे निकलते हैं। अभी हम पहुंचे हैं सहकारी जीन साइड, यहाँ पर एक स्वामीनारायण मंदिर है जो अभी आप मेरी राइट साइड देख रहे हो। और फाइनली ये एरिया है, यहाँ पर एक मेडिस्टार हॉस्पिटल भी आई हुई है जो आप देख सकते हो। और ये सहकारी जीन के नाम से जाना जाता हुआ ये एरिया है जो हिम्मतनगर सिटी के बॉर्डर पे आया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आए हुए हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी शॉप्स आई हुई है, सेल्स इंडिया है और रियल पेप्रिका है और खाने पीने के भी अच्छे खासे स्टॉल आए हुए हैं, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल सामने एक बेबी केयर हॉस्पिटल आई है जो बच्चों का अस्पताल है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक HDFC बैंक का ब्रांच भी आया हुआ है जो आप देख सकते हो। थोड़े आगे निकल चुके हैं, मेरे लेफ्ट साइड में एक BOB का ब्रांच है यहाँ पर जो अभी खुला है। और उसके थोड़े आगे यहाँ पर एक हीरो का शोरूम है, TVS का शोरूम है, और उसके बाजू में बिल्कुल है शक्ति परोठा हाउस, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ई व्हीकल का भी शोरूम आया हुआ है, जॉय ई बाइक करके शोरूम है, आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और बिल्कुल सामने एक बजाज और KTM का भी शोरूम आया हुआ है, आप ये भी चेकआउट करना ना भूलें। दोस्तों आप सभी को अब मैं लेके जाऊँगा, जो ओल्ड सिविल थी वो चेंज होके अब यहाँ पर आई हुई है, मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा। और यहाँ पर कुछ कॉलेजेस भी आई हुई है जो आप इस वीडियो में देखोगे। यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आई हुई है जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो।
तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सिविल और कॉलेज के गेट के आगे, तो आप देख सकते हो। और एक राउंड लगाकर मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स आई हुई है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन अच्छा किया गया है और एरिया भी अच्छा है बनाया गया है। दोस्तों मेडिकल कॉलेज से हम निकल चुके हैं और अस्पताल से भी हम निकल चुके हैं और अब हम आगे जा रहे हैं मोतीपुरा सर्कल और वहां से जाएंगे हम लेफ्ट साइड जो अहमदाबाद की ओर एक रास्ता जाता है उस रास्ते पर हम जाएंगे। तो दोस्तों इस एरिया को कहते हैं मोतीपुरा सर्कल एरिया जो आप देख सकते हो और ये रास्ता है जो अहमदाबाद की तरफ जाता है। तो इस रास्ते पर हम क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक सिनेमा आया हुआ है जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर और हिम्मतनगर के सिटीज़न मूवी देखने के लिए यहाँ पर प्रेफर करते हैं, तो मैं आपको वो लोकेशन दिखाना चाहूँ। इस रोड पे बहुत सारे शोरूम्स आए हुए हैं जो ऑटोमोबाइल लाइन के हैं, जैसे कार का हो गया, कॉमर्शियल व्हीकल का हो गया, तो बहुत सारे शोरूम हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप ये भी चेकआउट करना ना भूलें। तो दोस्तों ये है सिनेमा घर जो हिम्मतनगर सिटी में आया हुआ है, स्टार सिटी नाम है इसका और यहाँ पर एक खाना खजाना करके रेस्टोरेंट भी है, तो आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी होटल्स भी आई हुई हैं, तो आप ये भी देख सकते हो। और उसके करीब एक अशोक लेलैंड कंपनी का भी शोरूम आया हुआ है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये है साबर डेयरी जो हिम्मतनगर सिटी में आई हुई है, तो साबरकांठा ज़िले की सबसे बड़ी ये डेयरी है साबर डेयरी। और यहाँ से मैं एक वॉक अराउंड ले लेता हूँ और आगे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर समर्थ कैंपस एजुकेशन कैंपस भी आया हुआ है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम राजवी मोटर्स भी आया हुआ है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर एक हिम्मतनगर सिटीजन के फ़ोन में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बना है। तो आपको क्या करना है, बस एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर करना है, सबसे ज़्यादा 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 से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए देखते रहिए गुज्जू राइडर, टाटा बाय, सी यू।